सो गाइस जैसे तैसे करते हुए हम फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे। एंड अब अभी देखो मेरे साथ है तरुण, पंकज, समीर। देखो इसके कपड़े कैसे हो चुके हैं, देखो इसके ऊपर दाग लग चुके हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस आज हम आ चुके हैं बहुत ही एक मस्त लोकेशन पे। तो अभी हम जा रहे हैं पावागढ़, तो पावागढ़ चढ़ते हैं और फिर हम आगे का आपको लोकेशन दिखाते हैं। और गाइस मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक छोटा ब्लॉगर भी है, देखो वो आगे जा रहा है, वो मेरा भाई है छोटा, वो मेरी मौसी का लड़का है, वो भी आया हमारे साथ। एंड मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हुए, देखो इसका नाम है समीर, ये मेरा भाई पंकज जिसको आप जानते होंगे, इसका नाम है तरुण। सभी हम साथ में आए हुए हैं एंड अभी हम चढ़ रहे हैं पावागढ़। तो मैं अभी आपको आगे ब्लॉग में बने रहिए, आगे का लोकेशन भी दिखाता हूँ। सो गाइस अभी देखिए हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं एंड अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि यहाँ का क्या नज़ारा है। एंड अभी आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ से कितना ऊपर अभी हमें चढ़ना है, बहुत ही ऊपर चढ़ना है। और ये सब लोग तो ऐसे ही भागे जा रहे हैं बस। और हमारे पास दो बैग भी है, तो बैग भी यार लेके चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कभी भी आप आओ तो बैग लेके मत आना साथ में, क्योंकि अगर आप बैग लेके आओगे तो आपको चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो अभी सीढ़ियाँ आगे तक है, हम चलते हैं, चढ़ते फिर आपको आगे मिलते हैं। सो गाइस अभी काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं, बहुत ही थक चुके थे, तो अभी बैठे थे थोड़ी देर के लिए। एंड अभी आगे ही बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी मैं आपको आगे का भी लोकेशन दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है। तो हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। गाइस अभी हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मंदिर यहाँ से दिख रहा है, काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। और गाइस देखिए यहाँ से ये लोग रोप वे में जाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। एंड अभी हम जा रहे हैं चलते चलते, क्योंकि हमें रोप वे में नहीं जाना, हम तो जाएँगे सीधे चलते चलते ही। अभी आप देख सकते हो कितनी सारी लाइन लगी हुई, क्योंकि ये सब रोप वे में जाने के लिए ये सब इकट्ठा हुए। देखो गाइस कहाँ ही दूर तक लंबी लाइन है, कितना दूर तक देखिए, बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है ये सभी रोप वे में जाने के लिए। देखो गाइस यहाँ से पूरा यहाँ से लाइन लगी हुई है, हम तो चलते चलते जा रहे हैं सीधे ऊपर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर एंड अभी मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए हम आ चुके हैं, अभी यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ही ऊपर मंदिर है, तो अभी हम चलते हैं सीधा मंदिर पे और आपको सीधा माता जी के मंदिर पे ही मिलते हैं।
गाइस हमें चढ़ने में बहुत ही देर लग चुकी है, चढ़ते चढ़ते सीधे 4 बज गए, अभी तक मंदिर पर नहीं पहुँचे, फिर अभी जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली ऊपर पहुँच चुके हैं, अभी देखिए सीधे ही महादेव के दर्शन हो गए और ये यहाँ से एंट्री है, मिलते हैं आपको सीधा अंदर। सो गाइस फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहां से मंदिर पे, और मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूं कि यहां का व्यू कैसा है। तो गाइस काफ़ी सारी धूप है ऊपर, बहुत ही गर्मी लग रही है, एंड देखो यहां से सब फॉग ही फॉग आपको नज़र आ रहा होगा। हम सीधा ऊपर टॉप पे पहुंच गए, रवि मंदिर पे दर्शन करने के लिए चलेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। गाइस बहुत ही मस्त नज़ारा है, क्या नज़ारा लग रहा है। फाइनली अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, एंड अभी मैं आपको मंदिर में दर्शन करवाता हूँ महाकाली माता के, तो अभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। अभी हम सब ने दर्शन कर लिए, एंड गाइस अभी चालू है हमारा फोटोशूट, एंड गाइस धूप काफ़ी है तो यहाँ से लोकेशन आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी फॉग ही फॉग हो रखा है यहाँ से, जैसे जैसे सामने लेके वैसे सूरज नीचे जाएगा फिर मस्त लोकेशन आएगा। सो गाइस अभी देखिए फोटोशूट चालू है, कैमरे से सब फोटो क्लिक कर रहे हैं, चलिए गाइस अभी मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ। सो गाइस फाइनली हम घूम फिर के नीचे आ चुके हैं, एंड अभी धीरे धीरे नीचे उतर रहे, और अभी देखो सामने कितना मस्त सभी लगाया हुआ है, देखो सभी जगह पे चुनरी चुनरी लगाई हुई है, कितना मस्त लग रहा है, पूरा पट्टा भरा हुआ है, और यहाँ पे चल रही है फोटोग्राफी, तरुण फोटोग्राफी कर रहा है पंकज की। तो गाइस बहुत थक चुके आज यार, पैरों में बहुत ही दर्द कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी धीरे धीरे नीचे चलते, अभी दो लोग ऊपर रह गए वो भी आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे, और अभी हम आगे जाएंगे एंड मिलते सीधा नीचे, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। सो गाइस अभी हम जंगल से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, यहाँ से जंगल का रास्ता है वहाँ से हम नीचे जाएंगे, और काफ़ी रात हो चुकी है तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए पूरा कितना अंधेरा हो चुका है, और यहाँ से देखिए कितनी लाइट है, कितनी मस्त लग रही है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ का, एंड अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और बस हम चलते चलते नीचे जा रहे हैं। और तो मैं क्या ही बताऊँ गाइस, आज तो हमने जो भी मज़े किए वो सब आपको दिखाया, एंड कल भी कहीं जाने वाले हैं तो कल के ब्लॉग में आप देखना। सो गाइस अभी हम रास्ता भटक चुके हैं, तो देख रहे हो आप गाइस अभी हम कैसे जंगल से जाते हुए, क्योंकि यहाँ देखो कितना घना अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, सामने लाइटें सिर्फ दिख रही है, और हम सब फंस चुके हैं यहाँ पर, तो हम धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है, और रास्ता भी देखो कैसा है, पूरा जंगल का रास्ता है, और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। तो गाइस अभी हमें रास्ता मिल चुका है, देखो फाइनली सामने है रास्ता, वहाँ से हम सीधा नीचे चले जाएंगे। तो गाइस अभी देखिए बहुत ही डरावनी जगह है, और हम चलते चलते जा रहे हैं, और गाइस डर भी बहुत ही काफ़ी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है, क्या पता कोई जानवर आ जाए और हमारे समीर को खा जाए। और गाइस ये देखिए दोनों भूत की तरह चलते हुए जा ही रहे, देखो अपने हाथ में अलग अलग टॉर्च पकड़ के अपने अपने फ़ोन से सभी, देखो अपना अपना अलग ही जा रहे, और देखो नीचे जाना था और ये ऊपर जा रहे, पता नहीं कहाँ ले जा रहे, देखते अभी आगे रास्ता मिलता है कि नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ तो रास्ता कहीं मिल ही नहीं रहा है, रात को यहाँ घूमते ही रह जाएंगे। ऊपर अभी हम गलत रास्ते पर चले गए थे, तो फिर हमने देखो यहाँ ऊपर चढ़े गए थे, दिख भी नहीं रहा होगा अभी आपको, क्योंकि यहाँ से नहीं दिखेगा पूरा लोकेशन, हम नीचे तो पूरी खाई, अगर गिरे तो फिर गए,
एक बार जो गिरा उसको फिर ढूंढने नहीं जाने का, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं हमको। फिर हम उसको टाटा बाय बाय करके घर सीधा निकल जाएंगे और उनके मम्मी पापा को बोल देंगे कि उसकी फ़ोटो पे माला चढ़ा दें, क्योंकि वो गया, अब नहीं मिलेगा। फिर वापस वो आएगा हाथ पैर स्कूटर लेके, बोलेंगे इस बार क्या बोला था, नहीं आएगा, लो फिर आ गए। डर भी बहुत ही काफ़ी लग रहा है और थक भी गए, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। अभी देखते हैं कुछ खाते आगे जाके, पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि पैसे किसी के पास नहीं थे, मेरे पास जितना था उतना मैंने सबको खिलाया पिलाया। बट अभी धीरे धीरे चलते हुए जा ही रहे और आगे खतरनाक रास्ता और भी होता जा रहा है, घना अंधेरा है इतना सारा, देखो उसमें जा रहे हम। आगे आपको दिखा था लेकिन दिखेगा भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से देखो आगे इतना ख़राब है रास्ता पूरा। सो गाइस, जैसे तैसे करते हुए हम फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे, एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से देखो रोप वे भी जा रहा है। तो देखो आपको अभी दिख रहा होगा, देखो ये रोप वे जा रहा है और हम नीचे जंगल के रास्ते से रोप वे के रास्ते पर आ चुके हैं। और देखिए ये पूरा यहाँ से देखो ऊपर तक आपको दिख रहा होगा। और अभी हम सब फाइनली सेफली पहुँच चुके हैं। और अभी देखो मेरे साथ है तरुण, पंकज, समीर, देखो इसके कपड़े कैसे हो चुके हैं, देखो इसके ऊपर दाग लग चुके हैं, देखो ये नितिन, देखो इसके मुंह पे कैसा फेस हो रहा है, देखो ये पूरा थक चुका है, अभी जाके सोएगा तो सुबह उठेगा भी नहीं जल्दी, कि ये लोग मुझे ब्लॉग अच्छे से करने नहीं देंगे। इसलिए गाइस आज हमने जितना हो सके उतना आपके साथ ब्लॉग किया, और गाइस आगे कल भी करेंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।